अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल, माय यूट्यूब फैमिली। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। अल्लाह पाक आप सबको बहुत ज़्यादा खुश रखे। आज हम बनाने जा रहे हैं मटन कलेजी। ये मटन कलेजी मेरे हस्बैंड लेकर आए थे फ्राइडे वाले दिन, और उनको खानी थी। उन्होंने कहा झटपट मुझे बना दो, क्योंकि लंच जो है मुझे आज घर पर करना है। तो चलें भाई, मैंने कहा अपने व्यूअर्स को अपने हाथ की रेसिपी भी बता दूं और आप सबसे बातें भी कर लूं। जो मेरे चैनल को फर्स्ट टाइम देख रहे हैं वो सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, और याद से डोंट फॉरगेट बेल आइकन ज़रूर प्रेस करें, ताकि आपको मेरी वीडियो सबसे पहले मिल सके। सो, ये सब हैं रेसिपीज़। पहले हमने अनियन चॉप करके और उसको थोड़ा सा ब्राउन कर दिया था, और इसी में ही टमाटर में डाल सकती थी, लेकिन उसको भूनने में फिर बहुत टाइम लगता है। प्याज गलती नहीं है, इसलिए मैं ग्राइंड करती हूँ और फिर जो है इस तरीके से बनाती हूँ। कलेजी को आपने अच्छी तरह भूना है अपना हरे मसाले में और लहसुन अदरक के पेस्ट पे, ताकि इसकी जो स्मेल होती है वो निकल जाए। और कुछ लोगों को इसकी स्मेल पसंद नहीं होती, तो वो फिर अच्छी तरह भूनने से तेल में स्मेल निकल जाती है। अच्छा जी, चूँकि मैं कढ़ाई टाइप बना रही हूँ, तो कढ़ाई मसाला तो भाई शान का चाहिए ही चाहिए। स्पाइसेस आपके सामने हैं, एक एक करके थोड़े थोड़े स्पाइसेस डालने हैं। इसके अलावा जो स्पाइसेस आपको पसंद हो कलेजी में आप डाल दें। मैं नॉर्मल स्पाइसेस रखती हूँ, ज़्यादा एक्स्ट्रा चीज़ें नहीं डालती, और बहुत मज़े की, बहुत ज़्यादा टेस्टी बनती हैं मेरी सारी डिशेस। सो फ्रेंड्स, इसके बाद आपने करना है जो प्योरी हमने बनाई थी वो हमने डाल देनी है इसमें बहुत अच्छी तरीके से। इसको पकाना है हल्की आंच पे। अच्छा जी, अब हम नमक डाल रहे हैं। नमक आपने थोड़ा थोड़ा करके डालना है, जैसे मैं हमेशा बताती हूँ। साथ ही साथ आप फिर टेस्ट करते रहें, आपको लगे कि नमक बिल्कुल परफेक्ट है, फिर उसके बाद आपको स्पाइसेस और नमक डालने की नीड नहीं है। ओके, अब आप कलेजी को देख लें, कलेजी प्रेस करके कि वो अगर पक गई है, तो फिर आप धनिया दाने इसको गार्निश करें और दोबारा से ढक कर पकाने के लिए छोड़ दें। मज़ेदार ज़बरदस्त कलेजी तैयार है। लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें मेरे चैनल को। बाय बाय, अपना बहुत ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।